हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर। देखिए, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर आज से डेली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका एसबीआई क्लर्क होगा, यूपी पुलिस होगा, इसके अलावा एमपीपीएससी 2000, एमपीपीएससी या स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन जो भी होते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि करंट अफेयर्स होता है। तो आज हम इसमें अराउंड 10 न्यूज़ देखेंगे जो कि 21 एंड 22 जनवरी से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं आप वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं हमारी पहली न्यूज़ पर। देखिए, संदीप लखाड़िया अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी के जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं वो आपके संदीप लखाड़िया बनाए गए हैं। ठीक है ना, और एनएसजी को जो जिस एक और नाम से जाना जाता है वो आपका ब्लैक कैट नाम से भी जाना जाता है। स्टेटिक, हम इसका साथ में स्टेटिक पार्ट भी देख लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वॉज रेस्ड एज द फेडरल कंटिजेंसी फोर्स टू काउंटर टेररिस्ट एंड हाईजैक। तो जो आपके हाईजैक्स और टेररिस्ट अटैक होते हैं तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए एनएसजी को बनाया गया था, और एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ जो एनएसजी के इस समय डायरेक्टर बनाए गए हैं वो आपके संदीप लखाड़िया बनाए गए हैं, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया डिफीट पाकिस्तान टू विन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट करके, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था, तो उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट करके ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 का खिताब जीत लिया है। इंडिया बीट पाकिस्तान बाय 2 विकेट टू विन ब्लाइंड क्रिकेट कप 2018 फॉर द सेकंड टाइम आफ्टर थ्रिलिंग मैच एट शारजाह क्रिकेट स्टेडियम यूएई। तो जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018 ऑर्गेनाइज किया गया था वो आपका शारजाह क्रिकेट स्टेडियम यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, सुनील रमेश वॉज डिक्लेयर्ड मैन ऑफ द मैच। तो मैन ऑफ द मैच का खिताब जो दिया गया है वो आपका सुनील रमेश को दिया गया है, मैन ऑफ द मैच का। स्टेटिक देख लेते हैं, इनॉग्रल वर्ल्ड कप 1998, जो फर्स्ट ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था वो 1998 में हुआ था, जिसको कि साउथ अफ्रीका ने जीता था पाकिस्तान को हराकर, पाकिस्तान इन न्यू दिल्ली में। तो 1998 में पहला ब्लाइंड वर्ल्ड कप खेला गया था, जिसको कि साउथ अफ्रीका ने जीता था, किसको हराकर, पाकिस्तान को। और 2018 का जो वर्ल्ड कप है ब्लाइंड वर्ल्ड कप वो आपका इंडिया ने जीता है, किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर, है ना। ये पहला आपका फर्स्ट वर्ल्ड कप था। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, अपनी नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं, आनंदीबेन पटेल नेम्ड मध्य प्रदेश गवर्नर। तो मध्य प्रदेश की नए गवर्नर बनाए गए हैं वो आपकी आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि फॉर्मर सीएम है आपकी गुजरात के। ठीक है, इसके ये किसको रिप्लेस करेंगी, ओम प्रकाश कोहली को रिप्लेस करेंगी, जिनके पास अभी एडिशनल चार्ज है किसका, मध्य प्रदेश गवर्नर होल्ड एडिशनल सी विल रिप्लेस गुजरात गवर्नर। जो ओम प्रकाश कोहली जी हैं उनके पास अभी गुजरात और मध्य प्रदेश का चार्ज था, तो अब उनका एडिशनल चार्ज हटाकर जो मध्य प्रदेश की गवर्नर बनाई गई है वो आपकी आनंदीबेन पटेल बनाई गई है, और आनंदीबेन पटेल फर्स्ट वुमेन थी जो कि चीफ मिनिस्टर रही गुजरात की। नेक्स्ट चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज पर, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। देखिए, ओम प्रकाश रावत जी को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि किसकी जगह लेंगे, अचल कुमार ज्योति के। अचल कुमार ज्योति थे वो आपके 21st चीफ इलेक्शन थे, और जो 22nd अपॉइंट किए गए हैं वो आपके ओम प्रकाश रावत जी को अपॉइंट किया गया है चीफ इलेक्शन की पोस्ट पर। और इसके अलावा हम स्टेटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वार्ड सुकुमार सेन जो थे वो आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इसके बाद देख ले, 21st हमने बताया, 21st अचल कुमार ज्योति थे, जिनको कि अब ओम प्रकाश जी रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ओम प्रकाश रावत अपॉइंटेड न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं, इंडिया की जो रिसेंटली रैंक आई है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो रैंक, जो कि आपकी इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है, उसमें इंडिया की रैंक
62nd है, 62nd है। इसमें जो 26th पोजीशन पे है वो आपका चाइना है और पाकिस्तान इज ऑन 47th पोजीशन। नॉर्वे रिमेंस द वर्ल्ड्स मोस्ट इंक्लूसिव एडवांस इकोनॉमी। नॉर्वे ने इसमें नॉर्वे ने इसको टॉप किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई है। इसके बाद नॉर्वे ने यहाँ पे टॉप किया है और लिथुएनिया अगेंस्ट टॉप द लिस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। लास्ट टाइम लिथुएनिया ने इमर्जिंग इकोनॉमीज की लिस्ट में टॉप किया था और अगेन लिथुएनिया ने यहाँ पे टॉप किया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट गार्बेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट गार्बेज फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज इन छत्तीसगढ़। द रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन छत्तीसगढ़ ऑर्गेनाइज द 3-day कचड़ा महोत्सव। तो 3 days का जो कचड़ा महोत्सव 2018, जिसको कि इंडियाज फर्स्ट गार्बेज फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो आपका छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस गार्बेज फेस्टिवल का जो एम है, द फेस्टिवल एम टू इंक्रीज द अवेयरनेस, यूज द वेस्ट जनरेट इन द सिटी क्रिएटिवली एंड टू शोकास मल्टीपल टेक्निक्स फॉर रिफ्यूजिंग थिंग्स दैट आर लेबल्ड एज गार्बेज। हम इसका स्टेटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। ये इसका एम हैगा इंडियाज फर्स्ट गार्बेज फर्स्ट फेस्टिवल जो कि छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्टेटिक जीके में है, स्टेटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। तो इस समय छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके रमन सिंह हैं और गवर्नर इस समय बलरामी दास टंडन जी हैं। तो बलरामी दास जी टंडन आपके गवर्नर हैं और रमन सिंह इस समय छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम अपनी। नेक्स्ट न्यूज देख ले, देखिए पीएम मोदी लीव्स फॉर दावोस टू अटेंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 48th एनुअल मीटिंग हेल्ड की जाएगी वो आपकी डावोस में की जाएगी, जो कि आपका स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी लीड द लार्जेस्ट एवर इंडियन डेलीगेशन कंप्राइजिंग फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सुरेश प्रभु अमंग अदर्स। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं द थीम ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक एनुअल मीटिंग। जो इस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक एनुअल मीटिंग जो कि डेवोस में ऑर्गेनाइज की जाएगी स्विट्जरलैंड में, जो कि 48th मीटिंग है, उसकी जो थीम है वो आपकी क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। ये आप याद रखना, क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। इसके बाद स्टेटिक जीके का पार्ट देख लेते हैं। तो हम स्टेटिक जीके में देखते हैं द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्लॉस सकाफ, ये आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं। तो ये 21 जनवरी से रिलेटेड न्यूज थी। एक बार हम इनका रिवीजन देख लेते हैं। देखिए पहले हमने देखा था कि संदीप लखाड़िया को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है और ये काउंटर टेररिज्म और हाईजैकिंग की कंडीशन में ये काउंटर टेररिज्म के लिए यूज की जाती है ब्लैक कैट कमांडो। ठीक है ना, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने न्यूज देखी थी इंडिया ने डिफीट किया है पाकिस्तान को ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2018। और ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो पहला सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, सबसे पहले जो हुआ था वो 1998 में किया था, जिसको कि साउथ अफ्रीका ने जीता था पाकिस्तान को हराकर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आनंदीबेन पटेल को जो है वो आपका एमपी मध्य प्रदेश की गवर्नर बनाई गई हैं, जो कि इस समय जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे वो आपके ओम प्रकाश कोहली थे, जिनके पास एडिशनल चार्ज था गुजरात और मध्य प्रदेश का। तो इस अब उनके एडिशनल चार्ज को हटाकर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश की गवर्नर नियुक्त किया गया है। आनंदीबेन पटेल जो थी वो गुजरात की फर्स्ट सीएम थी, जो कि फॉर्मर गुजरात फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी गुजरात की, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ओम प्रकाश रावत जी को अपॉइंट किया गया चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया गया है ओम प्रकाश रावत जी को उन्होंने, और जो कि 22nd चीफ इलेक्शन कमीशन है इंडिया के, उन्होंने अचल कुमार ज्योति को सक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा स्टेटिक जीके के पार्ट में देखा जाए तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो थे वो आपके सुकुमार सेन थे, और 21st चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अचल कुमार ज्योति, जिनको की रिप्लेस कर दिया गया है ओम प्रकाश रावत जी के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम।
इंडिया रैंक 62nd इन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की गई इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो इंडिया की रैंक 62nd है, और इसमें जो चाइना है वो 26th पोजीशन पर है और पाकिस्तान 47th पोजीशन पर है। इसी के साथ नॉर्वे इसमें टॉप पर है, और लिथुएनिया जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमी की लिस्ट में टॉप पर है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट गार्बेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो आपका छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि 3 डे का फेस्टिवल होगा, जिसका की नाम है कचड़ा महोत्सव 2018। इट इज द इंडिया फर्स्ट गार्बेज फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्टेटिक जीके का पार्ट देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के सीएम है आपके रमन सिंह और गवर्नर है बरमाली दास टंडन। तो ये ऑल अबाउट था आपका। नेक्स्ट एक और न्यूज रह गई है, पीएम मोदी लीव्स फॉर डेवोस टू अटेंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 48th एनुअल मीटिंग। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 48th मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है वो आपकी डेवोस में की गई, जहां के लिए पीएम मोदी गए हैं। ठीक है ना, डेवोस जो आपका स्विट्जरलैंड में है, और ये 48th एनुअल मीटिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इसकी जो थीम है वो क्रिएटिंग शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। और स्टेटिक जीके का पार्ट में याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर एंड चेयरमैन हैं वो आपके क्लॉस स्वाच हैं। तो ये ऑल अबाउट था आपका 21st एंड 22nd जनवरी के करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो इसी तरह मैं अपना हर दिन का करंट अफेयर्स का पार्ट जारी रखूंगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि मैं अपने चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।